हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रीत और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ड्रेसअप विद प्रीत में, जहाँ हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल के बारे में। तो आज की वीडियो जो है एक हॉल वीडियो होने वाली है। फेस्टिव सीजन जो है वो शुरू होने वाला है, तो मैंने सोचा चलो कुछ फेस्टिव ज्वेलरी जो है वो शेयर की जाए, जो आप आने वाले अपकमिंग फेस्टिवल्स में या वेडिंग्स के अंदर स्टाइल कर सकते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपसे शेयर करूंगी, ये आपको अमेजोन पे इजीली अवेलेबल हैं, आपको अमेजोन से मिल जाएंगे। बेसिकली हम अमेजोन हॉल करने वाले हैं, तो मैं जितनी भी ज्वेलरी आपसे शेयर करने वाली हूँ ये सब पर्ल ज्वेलरी होने वाली है। पर्ल ज्वेलरी जो है वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मैं पहले भी अपनी मदर को देखा करते, जब हम छोटे थे ना, अपनी मदर को देखा करते थे कि वो भी हमेशा पर्ल ज्वेलरी प्रेफर करती थी, तो मुझे खुद को भी तब से ही पर्ल ज्वेलरी जो है वो बहुत पसंद है। तो इसी वजह से आज मैं आपसे अमेजोन हॉल में पर्ल ज्वेलरी जो है अपकमिंग फेस्टिवल्स के लिए जो आप यूज़ कर सकते हैं वो शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट नेक पीस जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो है ये पर्ल नेकलेस। ये जो है ना ऐसे फोर लेयर ऑफ पर्ल्स की है, और आप इसको जो है चोकर, एज अ चोकर जो है ये इसको स्टाइल कर सकते हैं। इसको आप पहन सकते हैं, लेयर करके पहन सकते हैं किसी लंबे पर्ल नेकलेस के साथ, या आप सिंपल इसको ऐसे भी पहन सकते हैं स्ट्रैंड्स, चार स्ट्रैंड्स को। और आप चाहें तो आप इसको सूट्स के साथ पहन सकते हैं, साड़ीज़ के साथ पहन सकते हैं, लेयर करके पहन सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगेंगे और बहुत ही क्लासी लगेंगे। इसके जो एयरिंग्स हैं ना वो बहुत छोटे छोटे एयरिंग्स हैं, ये इसके एयरिंग्स हैं। फ्लावर, इसमें फ्लावर बना हुआ है और उसमें भी छोटे छोटे जो है वो पर्ल लगे हैं। तो बेसिकली फर्स्ट पीस जो है ये वाला है चोकर सेट, जिसको आप बहुत ही तरीक़ों से जो है वो स्टाइल कर सकते हैं, और मेरी अपकमिंग वीडियोस में भी आप इसको देखेंगे कि मैंने इनको किस किस तरीके से जो है वो स्टाइल किया है। नेक्स्ट पीस जो है वो है एक लेयर नेकलेस। ये है मेरे पास एक लेयर नेकलेस, इसमें ना ऐसे बीच में जो है ग्रीन कलर के पर्ल्स हैं और साइड पे जो है ऑफ वाइट कलर के पर्ल्स हैं, ठीक है। अब ऐसे नेक पीसेस जो है ना, जैसे मैंने अभी आपसे फोर लेयर वाला जो नेक पीस शेयर किया था चोकर वाला, आप उसके साथ इसको लेयर करके पहन सकते हैं, तो ये बहुत ही हैवी जो है वो लगेगा। मतलब लाइट वेट, लाइट आपकी ज्वेलरी नहीं लगेगी, आपकी हैवी ज्वेलरी लगेगी। अगर आपने कोई लाइट साड़ी पहनी है या लाइट सूट पहना है, उसके साथ ना आप इसको लेयर करके पहनो, किसी भी चोकर के साथ, किसी सिंगल पर्ल स्ट्रैंड के साथ, मल्टीपल स्ट्रैंड के साथ, उस साथ पहनेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही एलिगेंट लगेगा। और एमरल्ड ग्रीन कलर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहता है हमेशा ही, कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। तो आप ये कलर के स्ट्रैंड्स वाले पर्ल नेकलेस आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। जो सिर्फ इयररिंग है ना वो इसके साथ ये वाले इयररिंग्स हैं। अब इन छोटे छोटे इयररिंग्स को भी ना आप अगर नेक पीस नहीं पहनना चाहते ना, कानों में कुछ हल्का फुल्का पहना चाहते हैं, तो सिर्फ इयररिंग्स जो हैं इनको भी आप पहन सकते हैं, आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। थर्ड पीस मैं जो आपसे शेयर करने वाली हूँ वो है ये लॉन्ग नेकलेस। ये भी जो है ना ग्रीन एंड ऑफ वाइट कलर के पर्ल्स के अंदर है। अब इसमें ना एक खास चीज ये है कि इसमें लॉन्ग नेकलेस तो है ही, साथ के साथ जो इसमें मिला था ना मुझे वो ये चोकर भी था, ठीक है। ये चोकर भी इसके साथ मिला था, इसमें भी ऊपर कुंदन वर्क हो रखा है, नीचे सॉरी ऊपर जरकन वर्क हो रखा है, नीचे मोती पर्ल लगे हुए हैं। तो इनको भी ना आप जो है, जैसे कि अगर आपको ये सिंपल जो है वो लॉन्ग नेकलेस नहीं पहनना, आप सिर्फ इसको भी ट्राई कर सकते हैं, इसको भी पहन सकते हैं। और अगर आप चाहें हैवी बनाना है तो आप इस चोकर के साथ साथ आप इस लॉन्ग मल्टीलेयर चेन को भी जो है स्टाइल कर सकते हैं। साथ में मुझे इसके जो है मांग टीका भी मिला था। मांग टीका जो है ऐसा मांग टीका है, ये ओवरऑल एक तरह से देखा जाए ना ये ब्राइडल सेट हो गया। मतलब ब्राइडल सेट आफ्टर मैरिज अगर आप पहनते हैं तो आप इसको आफ्टर मैरिज के फंक्शंस में इजीली कैरी कर सकते हैं। तो ये इसका मांग टीका है और ये जो है ना ये इसकी इयरिंग है। मतलब इसका मांग टीका और इयरिंग जो है वो सेम स्टाइल के अंदर है, ठीक है। तो अगर आप इसको बहुत हैवी करके पहनते हैं तो आप सारे पीसेस को एक साथ ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा हैवी नहीं करना तो आप सिर्फ टीका और इयरिंग्स को भी जो है कंबाइन करके पहन सकते हैं। मतलब ग्रीन कलर तो आप किसी भी कलर के साथ पहन सकते हैं, आप रेड के साथ, ब्लैक के साथ, किसी भी कलर के साथ आप पहनो ना, ये बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही ट्रेंडी एंड क्लासी लगेगा। फोर्थ पीस मैं आपसे जो शेयर करने वाली हूँ वो है ये एमराल्ड ग्रीन और पर्ल्स के अंदर चोकर सेट। अब इसमें ना डबल स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है। मैं पहले जो मैंने सबसे पहले दिखाया था उसमें फोर स्ट्रैंड्स थे, इसमें जो है डबल स्ट्रैंड्स हैं। और जो इसके एयरिंग्स हैं ना, सबसे बेस्ट पार्ट इसके एयरिंग्स हैं, जो कि ये छोटे छोटे क्यूट क्यूट से एयरिंग है। आप इनको ना वेस्टर्न वेयर के साथ भी पहन सकते हैं, इंडियन के साथ भी पहन सकते हैं। और ये इतना लाइट वेट है
कि आप इसको पहनेंगे ना पता भी नहीं चलेगा, मतलब मुझे हाथ में पकड़ के भी पता नहीं चल रहा कि ये हैवी है। बहुत ही ज्यादा जो है लाइट वेट है, बहुत ही ज्यादा हल्का है, और इयररिंग्स छोटे होने की वजह से ये भी बहुत हल्के हैं। मतलब आपके कानों में अगर आप फुल डे भी पहनते हैं ना, आपके कानों में बिल्कुल पेन नहीं होगा, बहुत ही अच्छे लगेंगे पहने हुए। तो आप इस ऐसे अब इस चोकर को भी जो है ना आप लेयर करके पहन सकते हैं या सिंगल पहन सकते हैं, दोनों ही तरीके से आप इसको स्टाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट पीस जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो है पर्ल के इयररिंग्स। मेरे पास जो है ये वाले पर्ल के इयररिंग्स हैं, ठीक है। इसमें ना यहाँ पे जो है जर्कन लगा हुआ है और बीच में जो है यहाँ पर पर्ल्स लगे हुए हैं ग्रीन एंड गोल्डन कलर के। तो ये वाली ऐसे भी ना, जैसे कि अभी आपको मैंने जो ग्रीन डबल लेयर वाला चोकर दिखाया, अगर आप उसके साथ भी इसको जो है लेयर मैच करके पहन सकते हैं, क्योंकि उसमें एयरिंग्स छोटे छोटे हैं। अगर आपको हैवी लुक क्रिएट करनी है ना, तो ऐसे एयरिंग्स को जो है आप उसके साथ एड ऑन कर सकते हैं। प्लस आप ऐसे इन फ्यूचर भी अगर आप कोई लाइट जो है नेक पीस लेते हैं, उसको अगर आप हैवी बनाना चाहते हैं ना, तो कोई भी आप हैवी एयरिंग ऐसे ट्राई कर सकते हैं, पहन सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये था नेक्स्ट पीस, ये भी मुझे, ये भी अब देखेंगे तो ये भी पर्ल के अंदर ही है। तो मतलब पर्ल्स मुझे बहुत ही पसंद है, चाहे वो बीट एयरिंग्स हों या फिर वो नेक पीसीज हों, पर्ल्स जो है हमेशा पहने हुए एलिगेंट और बहुत ही डिसेंट लगते हैं, बहुत ही जो है हमें रिच लुक जो है वो क्रिएट करके देते हैं। लास्ट एंड फाइनल पीस जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो भी एक चोकर सेट है, जो मैंने मेरे पास जो है ये वाला एक चोकर सेट है। इसके अंदर ना जो पर्ल्स हैं वो पिछले वाले सेट्स के अंदर, नेकलेसेस के अंदर जो थे मोटे पर्ल्स थे, इसके अंदर जो है ना ये छोटे छोटे बारीक बारीक पर्ल्स हैं। और आगे जो है ना इसके पिंक एंड ग्रीन कलर का जो है अमीना वर्क हो रखा है। तो ये ऐसे भी इनको भी आप सिंगल भी पहन सकते हैं, लेयर करके भी पहन सकते हैं। तो इसकी क्वालिटी भी जो है वो काफ़ी अच्छी है। मतलब पर्ल्स जो है ना चीप क्वालिटी के नहीं है, अच्छी क्वालिटी के। जितने भी मैंने नेक पीसेस आपको दिखाए हैं ना, सबके पर्ल्स जो है वो अच्छी क्वालिटी के हैं। ऐसा नहीं है पहने हुए कोई देखेगा तो बोलेगा कि आप चीप सी ज्वेलरी पहन रखी है, ऐसा नहीं है। पहने हुए बहुत रिच एंड मॉडर्न एंड क्लासी लुक जो है वो आपको देंगे। इससे इयररिंग्स जो थे ना वो ये इस टाइप के फ्लावर में स्टड इयररिंग्स हैं। अब अगर नेक पीस नहीं पहनना तो आप सिर्फ इयररिंग्स भी पहन सकते हैं अपने इंडियन वियर वेस्टर्न वियर के साथ, दोनों के साथ अच्छे लगेंगे। तो ये था फाइनल एंड लास्ट पीस जो स्मॉल पर्ल्स वाला है। बाकी सबसे थोड़ा हटकर सबसे अच्छा भी जो है ना मुझे यही जो है नेक पीस लगता है। इसके अंदर पिंक कलर जो है ना, आप पिंक कलर को भी किसी के साथ भी पहन सकते हैं, और ग्रीन और पिंक का कॉम्बिनेशन तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये थे कुछ नेक पीसेस जो मैंने, जो आपको अमेजोन से मिल जाएंगे और अमेजोन पे इजीली अवेलेबल है। सबके लिंक्स जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। अगर कोई भी पीस आपको अच्छा लगता है तो आप मंगवा भी सकते हैं। तो ये थी आज की अमेजोन की हॉल वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे मेरे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगी। तो फिर से बहुत ही जल्द हम फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।